और अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ के छात्रों की। छत्तीसगढ़ में जुलाई से शुरू होने वाले कॉलेज और यूनिवर्सिटी के नए सेशन में कई तरह के बदलाव देखने को मिलेंगे। प्रदेश में उच्च शिक्षा को लेकर 4 दशकों बाद ये बदलाव दिखाई देगा। सरकारी, निजी और ऑटोनॉमस सभी कॉलेज में नए कोर्स से पढ़ाई होगी। ऑटोनॉमस कॉलेज में सेमेस्टर सिस्टम से पढ़ाई की जाएगी। दावा किया जा रहा है कि नया सिलेबस रोजगार मूलक है और इसकी डिप्लोमा, डिग्री, ग्रेजुएशन या किसी भी स्तर का कोर्स पूरा करने पर किसी न किसी तरह का रोजगार जरूर मिल जाएगा। नए सिलेबस को पुस्तकीय ज्ञान के साथ ही किसी भी तरह की पढ़ाई करने वालों को कंप्यूटर कोर्स पढ़ना जरूरी होगा। इसकी अनिवार्यता इसलिए की गई है कि अब समय की जरूरत के अनुसार इसकी पढ़ाई जरूरी है। इसी तरह ऑनर्स का कोर्स करने वाले ही अब पीएचडी की उपाधि प्राप्त कर सकेंगे। ऑनर्स भी छात्रों को 75% अंकों के साथ उत्तीर्ण करना होगा। और चलिए इस कारण को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस बदलाव की वजह क्या है। सीधे रुख करते हैं संवाददाता गौरव शुक्ला हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। गौरव, जरा इसके पीछे जानकारी दीजिए कि बदलाव की वजह क्या है और इसे छात्र किस तरह से देख रहे हैं। जी बिल्कुल जया, देखिए यदि मैं बात करूं तो लंबे अरसे बाद उच्च शिक्षा संचालनालय ने जो कोर्स है उसमें बदलाव किया है और इसका सीधा फायदा जो है वो स्टूडेंट्स को मिलेगा, ऐसा उच्च शिक्षा संचालनालय का कहना है। क्योंकि सरकार जो है वो लगातार युवाओं पर फोकस कर रही है और ऐसे चीजों को बढ़ावा दे रही है जिससे सीधा फायदा जो है वो युवाओं को मिले और जो रोजगार मूलक चीजें हैं वो उनके काम आए। उसी कड़ी में जो है इस तरीके का फैसला जो है वो उच्च शिक्षा संचालनालय में लिया है और जो परिवर्तन किया जा रहा है सिलेबस में, उस सिलेबस में कहीं ना कहीं ऐसी चीजों को लाया जाएगा या ऐसे सब्जेक्टों को लाया जाएगा जिसका सीधा फायदा युवाओं को मिले। क्योंकि प्रदेश में लगातार बेरोजगारी का दर जो है वो कम हो रहा है, सरकार का ऐसा कहना है, और पूरी तरीके से बेरोजगारी को खत्म किस तरीके से किया जाए और युवाओं को किस तरीके से रोजगार मूलक जो चीजें हैं उनकी जानकारी दी जाए, उसके लिए ये चीज किया जा रहा है। और खास बात यह भी है कि जो ऑनर्स के लिए हुए लोग रहेंगे वही पीएचडी कर सकते हैं, एक बड़ा फैसला ये भी लिया गया है। और जो ऑटोनॉमस कॉलेजेस है वहां पर भी सेमेस्टर सिस्टम लागू किया जाएगा, ये आदेश जारी हुआ है। तो कहीं ना कहीं युवाओं के भविष्य को देखते हुए बड़ा फैसला जो है वो संचालनालय ने लिया है। जी शुक्रिया आपका गौरव, फिलहाल जानकारी साझा करने के लिए। खबरों का